हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हाइपरटेक। अब इस चैनल पर मैंने बहुत सारे होम ऑटोमेशन के रिगार्डिंग वीडियोस पोस्ट किए हैं एंड लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था कि 1000 रुपीज़ में आप किस तरीके से अपने घर के लिए वाईफाई स्विच बना सकते हो। उसमें आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, तो इस वीडियो में आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से 500-600 रुपीज़ के अंदर अपने घर के लिए वाईफाई स्मार्ट स्विच बना सकते हो यूजिंग आर्डियोनो एंड ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल। एंड इस सेटअप के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं 2i IoT प्लेटफॉर्म का, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमें देता है IoT सर्विसेज के लिए। तो आप उसे ज़रूर चेकआउट करना, इसके लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब विद बेल आइकन, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे ही टेक वीडियोस पोस्ट करते हैं। सो फ्रेंड, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं हाइपरटेक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बिल्डअप करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए आर्डुइनो यूनो, फिर आपको चाहिए ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल। आप चाहे तो टुया का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो कोई भी जनरल मैक का इस्तेमाल करना है तो उसका भी कर सकते हो। बट अगर आप टुया का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको इसमें फर्मवेयर बर्न करना पड़ेगा। तो वो सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से करना है। एंड यहाँ पे आपको लास्ट में थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी चाहिए, लाइक इसमें आपको 2i IoT प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करना पड़ेगा एंड 2i की जो स्मार्ट एप्लीकेशन आती है ये सब कुछ लोड को कंट्रोल करने के लिए वो भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा आर्डुइनो IDE जो कि इसे प्रोग्रामिंग करने के लिए काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से इसे कर देते हैं सेटअप। तो अभी हमें इन सभी इक्विपमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसमें प्रोग्राम लोड करवाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से इसमें प्रोग्राम लोड करवाना है। एंड यहाँ पे हम देखें तो आपको ये जो है ना वो ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल है, ये मेरे पास टुया का मॉड्यूल नहीं है, इसलिए मुझे इसमें टुया वाईफाई फॉर्मवेयर अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं इसमें कैसे अपडेट करना है फॉर्मवेयर एंड इसमें प्रोग्राम लोड कैसे करवाना है वो सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ। तो चलिए अभी मूव करते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर। इस प्रोजेक्ट को हम 2i IoT प्लेटफॉर्म की हेल्प से रन करवाने वाले हैं। तो 2i IoT प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारे IoT डिवाइस के लिए सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एंड वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस यूज़ करने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले 2i.com पर आना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखें नीचे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कोड डेवलपमेंट मिल जाते हैं, लाइक यहाँ पे नो कोड डेवलपमेंट मिलता है। आपको कोडिंग नहीं आता है तो भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो भी आप बना सकते हो। फिर यहाँ पे आपको लो कोड MCU डेवलपमेंट मिलता है। फिर आपको यहाँ पे हाई कोडिंग करके कोई भी अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। यहाँ पे हम देखें तो आपको यहाँ पे देखो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिलता है एंड यहाँ पे हम जो कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टिक करवा देना है। यहाँ पे हम कोई भी सॉकेट बनाना चाहते हैं, लाइक प्लग बनाना चाहते हैं या फिर स्मार्ट स्विच बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जनरली यहाँ से टिक कर देनी है। मैंने वाईफाई से बनाई है, आप चाहे तो ब्लूटूथ से भी बना सकते हो। यहाँ पे देखिए कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक स्विच बना के रखी है, 1 GHz स्विच बना के रखी है एंड यहाँ पे एक मॉड्यूल मैंने यूज़ किया है जो कि रिले मॉड्यूल होता है ना वो यूज़ किया, और ESP8266 वाईफाई कंट्रोलर यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम इसे क्लिक कर देते हैं कंटिन्यू डेवलप पे, तो यहाँ पे ये प्रोसेस होगा। अभी ये जो पैनल ओपन हुई ना वो हमें ये दिखाती है कि यहाँ पे आप कितनी स्विच डालना चाहते हो। तो मैंने इसमें एक स्विच डाली है एंड 2 बटन मैंने छोड़े हैं इस एप्लीकेशन में। फिर यहाँ पे हम देखें तो आपको यहाँ पे डिवाइस पैनल भी मिल जाती है। ये जो डिवाइस पैनल है ना वो ये है कि आपको इस एप्लीकेशन की हेल्प से कंट्रोल करवाना पड़ेगा इसी प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे आप कस्टम मोड में सेट करना चाहते हो एप्लीकेशन, लाइक अपनी खुद का UI डिज़ाइन करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो चेंज पे आपको क्लिक देता हूँ मैं एंड पूरे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, लाइक यहाँ पे आपको एक स्विच सेट करनी है, 2 स्विच सेट करनी है। फिर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ऑल इन वन पैनल मिल जाती है, डार्क वाली, लाइट वाली, वो सब कुछ मोड में आपको मिलती है। तो आप जैसे भी चाहे वैसे आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑल इन वन पैनल मिलती है, फिर SDK बेस्ड पैनल मिल जाती है, तो वो सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ से आप इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट देख भी सकते हो 2i Smart App के ऊपर कि हमारा ऐप का इंटरफेस है ना वो कैसा हमें दिखता है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जाना है हार्डवेयर डेवलपमेंट के ऊपर। फिर यहाँ पे आपको जो को भी मॉड्यूल यूज़ करना है वो आपको यूज़ कर लेना होगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल। एंड यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत फॉर्मवेयर अपडेट भी करनी होगी, क्योंकि मेरे पास 2i का मॉड्यूल नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मवेयर अपडेट मैंने इसमें किया है। फिर यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोग्रामिंग का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं बनाना चाहता हूँ वाईफाई स्विच यूजिंग आर्डुइनो ESP8266 वाईफाई कंट्रोलर। तो यहाँ पे आप देखो पहले से ही आर्डुइनो डेवलपमेंट गाइड यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे सबसे पहले वाईफाई से इसे चलाना है, तो यहाँ पे आपको 2i वाईफाई
MCUSD के डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसकी लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड यहाँ पे हम देखें तो आपको किस तरीके से प्रोडक्ट बनानी है उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। फिर हम देखें तो आपको यहाँ पे आर्डिनो IDE में किस तरीके से जो प्रोग्राम है ना आर्डिनो के लिए वो किस तरीके से लोड करवाना है उसकी यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है। ये जो पूरा कोड है ना वो आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देना होगा अपने आर्डिनो IDE में। एंड आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पे बिल्ट इन मिल जाएगा। मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से करना है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसे रन करवाना है। ये जो आर्डिनो है और TrueRT प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके से रन करता है उसकी यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है ना उसमें 2R मॉड्यूल का यूज़ किया है। मेरे पास 2R मॉड्यूल नहीं है तो मैं डायरेक्टली ऐसे यूज़ करने वाला हूँ, बट फॉर्मवेयर बिल्ड करके यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत डायग्राम भी मिलता है कि आर्डिनो से जो इनपुट आउटपुट सिग्नल है वो आपको मिलेगा 2R मॉड्यूल में, एंड 2R मॉड्यूल 2R क्लाउड के ऊपर सेंड करेगी ये सब कुछ सिग्नल, वैसे कुछ यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाती है। एंड किस तरीके से आर्डिनो IDE में आपको ये सब कुछ जो प्रोग्राम है ना वो रन करवाना है उसकी यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाती है। अगर आपके पास 2R Wi-Fi मॉड्यूल नहीं है तो आपको यहाँ पे कस्टम फर्मवेयर बर्न करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको ये लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। एंड यहाँ पे आपको PMS मॉड्यूल पे लॉगिन करना पड़ेगा, एंड फिर आपको यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर भी ओपन करके वो सब कुछ जो फर्मवेयर है ना वो बर्न करनी पड़ेगी। तो चलिए अभी 2R Wi-Fi MCUSD को लोड करवाते हैं अपने आर्डिनो IDE के स्केच में, एंड देन इसमें सब कुछ परफॉर्म करवाते हैं प्रोग्रामिंग, एंड देन रन करवाते हैं इस अपनी वाईफाई स्विच को। तो मैंने कनेक्ट कर दिया ये मेरा आर्डिनो IDE अपने लैपटॉप के साथ में, एंड यहाँ पे ये जो प्रोग्रामिंग है ना वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप यहाँ से जाके डायरेक्ट ओपन करवा सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने स्केच के फोल्डर में डाल दिया है ये 2R Wi-Fi MCUSD के, वो आपको यहाँ पे लोड करवा देना होगा। तो ये सब कुछ प्रोग्राम है। अभी यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये जो कोड है ना वो मैंने डाल दिया है एक वाईफाई स्विच के लिए। अभी यहाँ पे आपको डायरेक्टली वेरीफाई करके कंपाइल के ऊपर क्लिक कर देना होगा। अभी देखो यहाँ पे कंपाइलिंग हो रहा है, जैसे ही कंपाइलिंग हो जाएगा हमें यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करना होगा। अभी देखो यहाँ पे आ गया डन कंपाइलिंग, एंड यहाँ पे अभी हम कर देते हैं इस आर्डिनो में हम अपलोड। तो अभी अपलोड हो रहा है। तो अभी मैंने इस आर्डिनो सक्सेसफुली कोड को अपलोड कर दिया है, एंड यहाँ पे हम बात करते हैं ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल की। तो इसमें भी मैंने फर्मवेयर बर्न कर दिया है। इस सर्किट का स्केमेटिक डायग्राम आपको मैं इसी वीडियो में दिखा दूंगा, आप उसकी हेल्प से इस सभी इक्विपमेंट का कनेक्शन कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से इसका कनेक्शन करते हैं। तो ये जो सब कुछ जो सेटअप था ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। मैंने सब कुछ कनेक्शन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी लाइट ब्लिंक हो रही है। अभी आपको अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में से अपने फ़ोन में 2R स्मार्ट लाइफ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। यहाँ से हम कोई भी अपने अप्लायसेंस को ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने बनाई है स्मार्ट स्विच, तो यहाँ पे हम टिक कर देते हैं स्मार्ट स्विच, एंड यहाँ पे ना सब कुछ आ जाएगा। अपने वाईफाई को ऑन करके यहाँ पे सब कुछ सेटअप करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से हम सब कुछ सेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सक्सेसफुली सब कुछ जो सेटअप था ना वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम डायरेक्टली यहाँ से अपने इस लोड को ऑन ऑफ करवा सकते हैं यूजिंग अवर वाईफाई। तो यहाँ पे देखो ऐसे कुछ आपको स्विच मिल जाती है, मैं इसे ऑन करवाता हूँ। हो गई ऑन, अभी मैं इसे करवाता हूँ ऑफ। जैसे मैं यहाँ से इसे ऑन करवाता हूँ तो ये जो रिले है ना वो एक्टिवेट होता है और अपना ये लोड सब कुछ ऑपरेट होता है। अभी मैं इसे फिर से ऑफ करवाता हूँ। आप चाहे तो यहाँ से भी इसे ऑन करवा सकते हो, एंड आप चाहे तो इसे यहाँ से भी इसे ऑफ करवा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से अपनी जो ये जो स्मार्ट वाईफाई स्विच है ना वो ऑपरेट होती है। इसके लिए मैंने यूज़ किया है 2R IoT प्लेटफॉर्म का। अगर आप भी इसे यूज़ करना चाहते हो, ऐसी कुछ स्विच बनाना चाहते हो, तो आप भी 2R IoT प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो। एंड इस स्मार्ट स्विच की खासियत ये है कि आप एक दो लोड नहीं, आप चाहे तो 13 लोड इसमें ऑपरेट करवा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 13 इनपुट आउटपुट पिन मिलती है। एंड आपके लिए खास बात ये है कि अगर आप ऐसा कोई सर्किट बनाना चाहते हो 2R IoT प्लेटफॉर्म की हेल्प से, या फिर आपका शौक है ऐसा कुछ सर्किट बनाना, तो आप 2R IoT प्लेटफॉर्म के लिए ऐसी कुछ सर्किट बनाते हो और उसके
प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट करते हो ये सब कुछ सर्किट, तो अगर आप लकी विनर रहते हो ना तो आपको $35 का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जिसे आप अपने कोई भी परचेस के लिए यूज़ कर सकते हो अमेजोन में। तो उसके लिए लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप जरूर इसे चेकआउट करना। तो बस इतना था इस वाले वीडियो के लिए, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब विद बेल आइकन, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे टेक वीडियो पोस्ट करते हैं। और आपके मन में अभी कोई क्वेरी है इसी होम ऑटोमेशन के रिगार्डिंग, लाइक ये सर्किट के रिगार्डिंग या फिर TWRT प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, तो उन सबकी जानकारी मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वहाँ पर हाजिर रहूँगा रिप्लाई देने के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।